यूक्रेन युद्ध के 21वें दिन बदले हालात। देश बर्बाद करके अब जेलेंस्की के होश ठिकाने। नेटो और अमेरिका को लगा बड़ा झटका। मोदी और पुतिन ने मिलकर कर डाला बड़ा ऐलान। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को 21 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बादी की मुहाने पर पहुंच चुका है और रूसी धमाकों से देश का ज्यादातर हिस्सा खंडहर बना दिखाई दे रहा है। तो इस बीच आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस की भी कमर तोड़ दी है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ ऐसा हुआ है कि यूक्रेन युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल गया है। यूक्रेन के कॉमेडियन राष्ट्रपति जेलेंस्की की आखिर पर लगी जंग अब समझदारी में बदलने लगी है। पहली बार जेलेंस्की ने अमेरिकी कैंचुली निकाल करके फेंक दी है। ठीक से कहा जाए तो अब नेटो और अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक तरफ पुतिन ने जेलेंस्की पर अपने वार ढीले किए हैं, तो अब पाई पाई को मोहताज हो चुका यूक्रेन रूस की बात मानने को तैयार हो गया है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध के 20 दिनों के बाद, जब यूक्रेन के ज्यादातर शहर खाक हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तो आखिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जेलेंस्की कहने लगे कि रूस की बातें मान लेनी चाहिए। आखिर क्यों नेटो और अमेरिका इस वॉर को लंबा खींचना चाहते हैं और क्यों पुतिन तमाम बैन लगने के बाद भी पांव पीछे नहीं खींच रहे, और ये ईरान वाला एंगल बीच में क्यों आ गया है? क्या दोस्तों पुतिन के एक इशारे पर वॉर का एक और फ्रंट खुल गया है? और वहीं दोस्तों, मोदी ने भी एक बड़ा गेम किया है जिससे अमेरिका की अकड़ ढीली हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, साथ ही भारत वाली गुड न्यूज भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले जेलेंस्की की बात करते हैं। आखिर उनकी अकल के पर्दों की गर्द अब क्यों छटने लगी है? पाई पाई को मोहताज हुआ यूक्रेन, तो हुआ बड़ा ऐलान। क्या पुतिन को मिल गई है सबसे बड़ी कामयाबी? दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने मुल्क को बर्बाद करवा कर अब कहा है कि उनके देश को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता है। मतलब यूक्रेनी राष्ट्रपति का दिल टूट गया है, क्योंकि जेलेंस्की बार बार नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की डिमांड करते रहे और हर बार नेटो उनकी मांगों को खारिज करता गया। इतना नहीं, अमेरिका ने इस युद्ध को लंबा खिंचवाने की मूड में एक ऐसा काम किया जिसको जेलेंस्की कभी नहीं चाहते थे। दोस्तों, जेलेंस्की बार बार कह रहे थे कि उनको फाइटर जेट्स चाहिए, उनको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, लेकिन अमेरिका उनको छोटे मोटे हथियार दे रहा था। अमेरिका ने उनको वो स्टिंगर मिसाइलें दी जो वॉर को लंबा खींचने के काम आती हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा ये जान लीजिए कि इस युद्ध से यूक्रेन कैसे बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से देश के विकास को काफी धीमा कर दिया है, जिससे अब मुद्रा स्फीति बढ़ गई है और इससे न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। IMF ने दोस्तों कहा है कि यूक्रेन युद्ध लंबी अवधि में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को मौलिक रूप से नया रूप दे सकता है, लेकिन अब जेलेंस्की ने पांव पीछे खींच लिए हैं। जेलेंस्की के ताजा शांति वाले बयान से संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन अब रूस की मांगों को मानने पर विचार कर सकता है। दोस्तों, जेलेंस्की ने अब कहा है कि बैठकें चल रही हैं, बातचीत के दौरान रूस का रवैया पहले से ज्यादा यथार्थवादी हो गया है। हालांकि जेलेंस्की ने एक बार फिर से ये मांग दोहराई कि रूसी मिसाइलों और फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन के आकाश में नो फ्लाइंग जोन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जंग के 21वें दिन रूसी सेना यूक्रेन में ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाई है, लेकिन वो शहरों में भारी गोलाबारी कर रही है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने भी कहा है कि उसने खार्किव में रूसी सेना के हमले को विफल कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसने रूस को उनके पुराने ठिकाने पर ढकेल दिया है। तो वहीं दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय परिषद के प्रमुख चार्ल्स मिशेल के साथ में बातचीत के दौरान कहा है कि यूक्रेन बातचीत के दौरान पारंपरिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहा है। हालांकि इस दौरान यूक्रेन का कहना है कि उसने मोरियोपोल में लड़ाई के दौरान रूस के चौथे मेजर जनरल ओलेग मितेव को भी मार दिया है। वो इस वॉर में मरने वाले चौथे मेजर जनरल थे।
और ये रूस के लिए भी बड़ा झटका है। तो वहीं दोस्तों ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के पास अब गोला बारूद की भारी समस्या हो गई है, साथ ही उसके पास में सैन्य कर्मियों का भी संकट मंडराने लगा है, जिसके बाद रूसी फौज अब एडिशनल सैनिकों की मांग करने लगी है। तो वहीं नेटो में अमेरिका के पूर्व राजदूत कर्ट वोल्कर का कहना है कि नेटो अब भी यूक्रेन की मदद के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और स्टिंगर मिसाइलें दी जा सकती हैं ताकि यूक्रेनी सेना रूसी जहाजों का मुकाबला कर सके। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नेटो कैसे भी करके इस युद्ध को और ज्यादा खींचना चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है कि ये वॉर कैसे भी करके आगे बढ़े, और इसके लिए यूक्रेन को फाइटर जेट्स या फिर बड़ी सैन्य मदद की बजाय केवल स्ट्रिंगर मिसाइलें दी जा रही हैं ताकि वो रूसी फोर्स को केवल रोक सके और युद्ध का माहौल बना रहे। और दोस्तों इसी की आड़ में अमेरिका की कंपनियां तेजी से अपना कारोबार फैलाती जा रही हैं, उनके शेयर मार्केट में पैसे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों पुतिन अमेरिका की इस चाल को पहले ही भांप चुके थे और इसी का नतीजा इराक पर हुए मिसाइल अटैक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान रूस के साथ साझेदारी कर रहा है और रूस ने दोस्तों उसे हर तरह की सैन्य मदद का आश्वासन भी दिया है, यानी पुतिन ने एक ही साथ में बड़े गेम किए हैं। खैर दोस्तों इस बीच भारत ने भी एक बड़ा गेम किया है और कमजोर हो रहे पुतिन को इसने एक बड़ी जीवनी दे दी है। रूस से भारत की तेल पर महा डिस्काउंट डील, कमजोर पड़ते पुतिन को मोदी ने दी संजीवनी, अमेरिका को भारत का ताबड़तोड़ झटका। दोस्तों रूस को ठिकाने लगाने चले बाइडेन को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। भारत ने पहले तो S-400 पर अमेरिका की एक नहीं सुनी और अब एक और बड़ा गेम कर डाला है। मोदी ने रूस से कच्चा तेल मंगवाने के लिए डील को लगभग फाइनल कर दिया है और इस डील के तहत भारत रूस से 35 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा सीधा पड़ने वाला है, यानी देश में अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी। इस डील के मुताबिक भारत को कच्चा तेल देने में शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी रूस की होगी। दोस्तों रूस से कच्चा तेल खरीदने में भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के लिए ये बड़ी अड़चन रही है। अगर ये सौदा परवान चढ़ जाता है तो ये इस बात का संकेत होगा कि भारत के अपने पुराने दोस्त रूस के साथ कारोबार के दरवाजे खुले रहेंगे। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही रूस अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। और दोस्तों अब रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की भी संभावना मिल सकेगी। हालांकि रूस से अभी जितना कच्चा तेल मंगवाने के लिए बातचीत चल रही है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, ये भारत में एक दिन की खपत के बराबर है। हालांकि दोस्तों रूस से जो तेल खरीदा जाएगा उसका भुगतान कैसे होगा इसके बारे में फिलहाल कोई स्थिति क्लियर नहीं है। सरकार को अभी इस पर काम करना है। सरकार ये सौदा रुपए या रूबल में करने पर विचार कर रही है। इसका भुगतान ऐसे भारतीय बैंकों के जरिए हो सकता है जिनकी पश्चिमी देशों में कोई शाखाएं नहीं है। साथ ही कुछ दूसरे विकल्पों पर भी विचार हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। भारत में अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच 36 लाख टन तेल का आयात किया गया, जो कुल आयात का 2% है। दोस्तों रूस से तेल आयात ले शिपिंग बड़ी समस्या है। रूस से निर्यात होने वाले तेल में यूराल और साकोल प्रमुख हैं। यूराल तेल का निर्यात ब्लैक सी के बंदरगाह से होता है। ये लंबा समुद्री रास्ता है जिससे लागत काफी बढ़ जाती है। दोस्तों यूक्रेन में चल रही लड़ाई से इंश्योरेंस और वॉर रिस्क प्रीमियम की लागत भी बढ़ गई है। और दोस्तों अब इस मामले में अमेरिका की ओर से भी एक बड़ा बयान आ गया है। और दोस्तों फिलहाल तो उसने इस मामले में कोई टांग अड़ाने से परहेज कर दिया है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी दे दी है, वो भी तब जबकि उसने जर्मनी से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। उस जर्मनी से जो रूस से सबसे ज्यादा गैस की खरीदारी करता है, लेकिन भारत के मामले में उसने एक बड़ी वार्निंग भी दी है। दोस्तों व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि रूस और भारत के बीच ऑयल डील से रूस पर लगी पाबंदियों का उल्लंघन होगा, लेकिन इस तरह के कदम से भारत का नाम इतिहास में गलत पक्ष के साथ जुड़ सकता है। यानी अमेरिका को अब सीधे सीधे लगने लगा है कि भारत पर दादागिरी दिखाई तो वो रूस का ही साथ देगा। अमेरिका अपने सीक्रेट केबल्स के जरिए गलती कर भी चुका है और उसके बाद मोदी ने सीधे सीधे रूस का सपोर्ट ही करवा डाला। यहां तक कि दोस्तों यूक्रेन में अमेरिकी सीक्रेट बायोलैब्स की जांच की मांग पर भी भारत ने यूएन में रूस का ही सपोर्ट किया था। और दोस्तों अब भारत रूस से तेजी के साथ में तेल खरीदने वाला है। अगर ये भारत के साथ ये डील आगे बढ़ती है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा दबाव ये भी झेल रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप ही रूस से गैस खरीदता है, तो फिर भारत क्यों नहीं खरीद सकता।
तो दोस्तों ये बड़ा प्रश्न है जो अमेरिका के सामने बड़ी मुसीबतें खड़ा करने वाला है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।